बंगाल से सटे झारखंड में भी दुर्गा पूजा की शोर कम नहीं होती है। राजधानी रांची में भव्य रूप से इस त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ की कलाकृतियाँ चकाचौंध देखने को बनती है। लोगों की तमाम भीड़ उभरती है। लोग चौथे या पांचवी पूजा से अपना भीड़ जमाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीवी इंद्रधनुष और मैं हूं श्वेता। आज मैं मौजूद हूं रांची के दुर्गा मंडप प्रातु रोड में, जहां पर इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, पंडाल कितने दिन में बन जाएगा, पंडाल की क्या स्थिति है, ये सब जानकारी आपको देंगे। आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार पंडाल की थीम क्या हो सकती है, कितना खर्च पड़ रहा है, लोगों का जमाना कितना ज़्यादा भीड़ उमड़ सकता है, ये सब जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे साथ जुड़े हैं उत्तम यादव जी, जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रातरो दुर्गा मंडप पंडाल में सब क्या कुछ नया खास होने वाला है। जी, मैं आर आर स्पोर्टिंग क्लब से बोल रहा हूँ और इस बार हमारा पंडाल में जो मतलब ये पूर्ण जन्म है ना, उस आधारित हमारा पंडाल में इस बार की थीम पंडाल की क्या है, पूर्ण जन्म के आधार पर बनाया जा रहा पंडाल हमारा। और इसमें हम लोग दिखाया जाए कि आदमी के मतलब मृत्यु के बाद से लेकर मतलब पुनर्जन्म तक कैसे कैसे दिखाया जा रहा है। कितने महीने से काम चल रहा है सर? लमसम 3 महीने से। 3 महीने कब तक चलेगा और कितने दिन में कंप्लीट ये हमारा? देखिए, अभी तो बारिश हो रहा है लगातार, इस वक्त हमारा काम बंद है, उससे बहुत दिक्कत भी हो रही है। हमारा 20 तारीख को ओपनिंग होने वाला है जी, षष्ठी के दिन। तो षष्ठी को माता रानी के पट खुलेंगे जी। और कितना खर्च पड़ रहा है इस बार आपके पंडाल? लमसम आपका टोटल पूजा में खर्च है 55 लाख रुपये। कितने सालों से यहाँ पे पंडाल बना रहे हैं आप? यहाँ से 1979 से हमारे जो संस्थापक थे स्वर्ग कृष्ण यादव, उन्हीं के द्वारा पूजा स्टार्टिंग किया गया। क्या लगता है इस बार रांची में जो आपके पंडाल का पोजीशन है वो क्या होने वाला है? देखिए, माँ का आशीर्वाद से तो अभी तक हमारा लगातार 5 साल से हम लोग नंबर 1 ही पे आ रहे हैं जी। और अब ये रांची की जनता पे है और ये कॉम्पिटिशन वगैरह तो बात की बात है, पहले तो हम लोग आस्था के करते हैं, आस्था होती है पूजा की। क्या अनुमान है कितने लोगों की भीड़ उमड़ती है यहाँ पे? भीड़ तो देखिए, हमारा स्पोर्टिंग क्लब का जो क्राउड है वो किसी से छुपा नहीं है। हमारा जो 5 दिन का क्राउड हो तो मतलब संभालने से भी नहीं संभालता, तो हम इसका थोड़ा प्रशासन से भी आग्रह करें कि हमारा पूजा पंडाल का क्राउड को थोड़ा देख के हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मुहैया किया जाए। प्रशासन से क्या सुविधाएँ मिल रही हैं और क्या मिलती हैं आपको हर साल? हर साल हमें वॉन्टेड ये सब पुलिस के द्वारा लेडीज़ कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल अलग अलग मिलती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हम लोग उनसे आग्रह करते कि इस साल दिया जाए। पार्किंग की सुविधा है? पार्किंग को लेकर तो इस बार देखिए फ्लाईओवर और उस आधार पर हमारा पंडाल भी थोड़ा छोटा कर दिया गया है, लेकिन पूजा के टाइम में क्राउड बढ़ेगा तो ये जो आप रोड का भी नज़ारा देख सकते हैं, हर तरफ गड्ढे गुड्ढी हो चुकी, उसको कम से कम पूजा के लिए दुरुस्त कर दिया जाए, हमारा यही निवेदन है। कितने कारीगर लगे हैं अभी तक? हमारा इसमें 60 कारीगर लगे हुए हैं। 60 कारीगर पंडाल में जो हमारा है कि इसमें केवल प्लाई और ये LED लाइट्स का यूज़ किया जा रहा है, और अगर पंडाल मतलब जिस ओपनिंग हो जाएगा उसके बाद देखने लायक ये पंडाल होगा। ये पंडाल पूरे मतलब पूरे झारखंड में पहली बार इस तरह का पंडाल बनाया जा रहा है, इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया जा रहा, पूरा तरह हमारा पंडाल इको फ्रेंडली है। माता रानी की प्रतिमा के बारे में कुछ बताइए। प्रतिमा इस बार हमारी 18 फीट की माँ की है, और सबसे उसमें है कि हमारा प्रतिमा रांची में नहीं बनती है, हमारा प्रतिमा कोलकाता से पंचमी के दिन यहाँ आ जाएगी। और जो हमारा प्रतिमा है वो भी इस बार हमारा बहुत अलग से राजस्थानी कलाकृतियों से हमारा पूरा मतलब दुर्गा माँ का सजावट किया जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ नया इस बार के पंडाल में होने वाला है। समाज को संदेश देते हुए इस बार का पंडाल का थीम इको फ्रेंडली होगा, और इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, श्रद्धालु अपना सुविधा और अपने चीज़ों का ध्यान रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा को मनाएंगे। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं श्वेता अपने कैमरामैन जितेंद्र के साथ रांची, धन्यवाद।